अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप सारे बखैर आफियत होंगे। काफ़ी दिनों के बाद बेगम के साथ इंटरनेशनल सफ़र हो रहा है और साथ में हमारे हजरत की निस्बत के हामी छोटे हजरत जी बेगम। अस्सलाम वालेकुम। वेल, बीबी के साथ ट्रैवल करना इज़ वेरी टफ, वेरी वेरी टफ। मुझे लग रहा था बहुत आसानी से हो जाएगा, बट मुश्किल है बिकॉज इन्फेंट है, सीट नहीं है एंड इट्स लॉन्ग जर्नी। 6.5 घंटे की फ्लाइट, 6 घंटे की फ्लाइट है मेरी लंदन की एंड या जिद्दा से लंदन। और जाहिर सी बात है बीबी को लेकर गोद में बैठना इज टफ। बहरहाल इन्होंने तो बता ही दिया, हम लोग रात चले घर से तकरीबन 12:30 के करीब, 1 बजे के करीब, 2:45 बजे फ्लाइट था। और वो तैयारी भी इनको करने में देरी होती है अक्सर, तो मैंने इनको कहा था 2:30 बजे फ्लाइट है। जो साथी आए थे बोले साहब हर दफ़ा लेट होते हैं आप लोग हर जगह पर। मैंने कहा बस अल्लाह माफ़ करे, मेरे मुकद्दर में यही है। हमारे भाई सहबाज जो इंडन वाले हैं वो आए थे तो उनका कहना यही था, लेकिन बहरहाल एयरपोर्ट पहुँचा सारा कुछ 15 मिनट में हो गया। अलहमदिल्ला इंडिया में काफ़ी सहूलत है हमारे मुंबई में माशाल्लाह से। और फिर जब लॉन्च में पहुँचे तो वहाँ इतना हुई कि फ़्लाइट तकरीबन 1.5 घंटा लेट है। 2:45 की फ़्लाइट तकरीबन 4:30 के करीब चली है और फिर यहाँ जद्दा पहुँचे। जद्दा में 1 घंटे का, वैसे 2.5 घंटे का होल्ड था लेकिन फ़्लाइट वहाँ डिले हुई थी, 1 घंटे का होल्ड हुआ। अब यहाँ से अभी दवा है, ये कसम अल्लाह ताला बख़ैर आफियत पहुँचाए। आप सब से दुआओं की गुजारिश है, इंशाल्लाह अब हमारी बेगम एक्टिव रहोगे ना अपने ब्लॉग पे, मैं अपना काम कर रहा हूँ। हमारे हजरत आराम फरमा रहे हैं, दुआ फरमाइएगा हम सब के लिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। जज़ाकल्लाह अकरमकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। मेरे अल्लाह का क्या निज़ाम है, मेरे अल्लाह ने क्या ज़मीनों को बनाया है और आसमान को बग़ैर सुतून के खड़ा किया है। उस रब की कुदरत है कि इस हवाई जहाज़ को लैंड करने से पहले, टेक ऑफ करने से पहले कितनी तैयारी की जाती है, कितना उससे उसके लिए जो अहलकार होते हैं फ़्लाइट के वो कितना एक्सरे करते हैं। उसी अल्लाह ने मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन आसमानों का सफ़र कराया है। इंशाल्लाह कुछ देर में हम लोग लंदन लैंड होंगे। नज़र तो आ रहा है, मसला ज़बरदस्त पेश आ गया है। बस दुआ करें अल्लाह ताला आफियत फरमा दे हुए, अल्लाह ताला खैर मुकद्दर कर दे हुए। जो कि पेश ये आया है कि हमारी एक भी जो लगेज में बैग थी एक भी नहीं आई, तकरीबन 4 बैग थी और बच्चे की ट्रॉली थी। तो बस अल्लाह की तरफ से एयरलाइंस कह रही है कि 1-2 दिन में आएंगे। बहरहाल कल आगे सफ़र करना है लंदन से, जिस सिलसिले में हाजिरी हुई है, किसी के निकाह का मौका है, खुशी के मौके में पहुंचने की ज़माने में वादा किया था हमने, तो बस वो वादा भी है और ताल्लुक़ भी है फैमिली वाला। तो यहाँ से हमें लीड्स जाना है लंदन से, जो कि 3 से 4 घंटे का बाई रोड सफ़र होगा। लेकिन बस अब बैग आ जाए तो पता चले, क्योंकि हमारे मोहतरमा के तो सारे चीज़ें ही उसी में होगी। हाँ बहरहाल मेरी भी है, लेकिन मेरे लिए आसानी है कि मैं कहीं से भी कुर्ता पायजामा ही लेना है। तो देखें, उम्मीद है वहाँ के जो एयरपोर्ट के अहलकार थे उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि आपके लिए कल तक आ जाए, दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हरदिल अजीज़, देखो अल्लाह ताला मिलाता है। अहमद भाई हमारे यूट्यूब का ऐसा ना के तो अहमद भाई भी आए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ जॉइंट हो गए। एक सरप्राइज था आप लोगों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सना हमारे अब्दुर्रहमान भाई को पीछे लगा दिए हमने, हमारे हजरत को संभाल, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेल, जैसे कि आप जानते हो कि अब हम लंदन पहुंच चुके हैं एंड आज जुम्मा है ऑब्वियसली, तो सबसे पहले तो हम चाहते कि हम जल्दी से एक लोकेशन पे पहुंच जाए ताकि इंशाल्लाह हमारी नमाज भी हो जाए। और बहुत स्ट्रगलिंग डे है, हम
ऑलमोस्ट दो दिन हो गया हम ये कपड़ों में है, बिकॉज कल हम पहुंचे हैं एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे कोई भी बैग्स नहीं आए हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस बेबी का थैंक गॉड मैंने हाथ में बहुत सारे चेंजेस रखे थे, अल्लाह का शुक्र है, डायपर्स एक्स्ट्रा रखे थे, मुझे लग रहा था मैंने ज़्यादा रख लिया है बट मैंने कहा ठीक है कोई नहीं तो मैंने रख लिए, बट बहुत काम में आए, बस अब हम वेट कर रहे हैं कि बैग्स आ जाए, वो तो कह रहे हैं 3 दिन एंड वी लाइक नहीं, बिकॉज हम यहाँ पे एक शादी में शादी अटेंड करने आए हैं और वो फंक्शन आज से ही शुरू होने वाले हैं, शायद हम आज स्किप कर दें, बट यस होपिंग के बैग्स आज मिल जाए, अभी अनस मुझे ड्रॉप करके एयरपोर्ट वापस जाने वाले टू गेट द बैग्स, सो लेट्स सी, आई होप दैट वी गेट द बैग्स। जैसे कि आप देख रहे हो बहुत अच्छा वेदर है, समर है और धूप है, गर्म भी बहुत हो रहा है, बट यस आज का ये वेदर है लंदन में। जैसे कि आप देख रहे हो हम गाड़ी में हैं और मैंने यहाँ पे ये कबाया किसी से लिया, मंगाया है इनफैक्ट, और यहाँ पे पहनी हूँ, आप देख रहे हो कि गाड़ी घर बन चुका है, ऑब्वियसली हमारे बैग्स नहीं आए हैं, अब हम निकाह में जा रहे हैं, बहुत सारी शॉपिंग की थी, नए कपड़े बनाए थे बट अनफॉर्चुनेटली लगता नहीं है कुछ पहनने मिलेगा, आई होप अगर बैग्स मिल गए कल तो मे बी, बट यस ये जैसे आप देख रहे हो गाड़ी में इतना बस पसारा ही पसारा है हमने फिलहाल ऐसी चल रही है हमारी जिंदगी, मेरे पास मेकअप भी नहीं है टू गो फॉर वेडिंग, बट यस लेट्स प्रे कि बैग्स जल्दी जल्दी मिल जाए एंड या तब तक हम इस बच्चे को संभालेंगे, इट्स वेरी वेरी टफ टू ट्रैवल विद एन इन्फेंट। लंदन से बर्मिंघम जा रहे बारात में, लीड से बारात तो निकली है, बस हमारी बैग के चक्कर में हम पहुंच ही नहीं पाए, ये जहाँ से गुजर रही है क्या चीज है भाई थोड़ा सा बताइएगा रमेश भाई। रिवर थेम्स अभी क्रॉस कर रहे हैं हम ब्लैकवेल टनल के जरिए, ये देखिए अल्लाह ताला ने कितनी तरक्कियात को इंसानों के ऊपर खोला कि समुंदर के अंदर यानी पानी के अंदर इन्होंने टनल बना दिया है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंडिया में भी कुछ बनने जा रहा है इसी तरीके से। वेल जैसे कि आप देख रहे हो दैट हम अभी भी बैग्स में हैं बिकॉज वी डोंट हैव, इट्स ऑल अ मेस, बेबीज रूम कपड़े धोए हैं एंड यस They're sleeping. तो मैंने सोचा ये मेरे जो लॉन्ड्री में देना है, 3 दिन हो गया मुझे पहन के, तो अब मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ सो दैट आई कैन यू नो गेट फ्रेश फॉर द डे। बेचारे फ़ोन पे फ़ोन लगा रहे हैं, हर किसी को फ़ोन कर रहे हैं कि कुछ तो मिल जाए यहाँ पे, मेरा प्यारा सा बच्चा मेरे हजरत जी यहाँ पे है तारिक जमील साहब, बेचारे सोए हुए हैं, अब हम बस फंक्शन के लिए पहुँच रहे जो यहाँ से 1.5 घंटा है, बट इट्स सो एग्जॉस्टिंग, आप देख रहे हो एक ही बैग जो भी गिर चुका है उठा के लाना फटाफट, इज सो टफ, प्लस ये ऐसे पॉलिथिन लेके घूम रहे हैं, लाइक व्हाट टू डू, अनस इज वेरी एंग्री राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेल आज 5वां दिन है हमारे लंदन में एंड गेस व्हाट, आज तक बैग हमें नहीं मिले हैं और हम जो फंक्शन के लिए आए थे जिस निकाह और वलीमा को अटेंड करने आए थे वो आज लास्ट डे है वलीमे का, और उसके बाद अब क्या करें, कुछ भी नहीं, उसके अंदर इतना सामान था और गिफ्ट्स थे स्वीट्स थे जो सब खराब हो चुके हैं एंड यू नो ये भी नुकसान, मेंटल टॉर्चर अलग, रोज़ पूरा दिन हम फ़ोन पे सिर्फ एयरलाइन वालों से बात करते हैं, इनकी इतनी बेगैरती है कि बैग्स आके 4 दिन हो गया पर ये रिलीज़ ही नहीं कर रहे किसी के भी बैग्स और अननेसेसरी यहाँ पे लोगों को परेशान कर रहे हैं, आई डोंट नो फॉर व्हाट, ये गेटवे करके एक सड़ा हुआ एयरपोर्ट है जहाँ पे हम लैंड हुए हैं, मुझे खुद को नहीं पता था ये यू नो कि इस एयरपोर्ट का रेपुटेशन इज़ सो बैड, बट कहते हैं यहाँ पे हमेशा ऐसे होता है, उनकी सर्विसेज इतनी ख़राब है, कोई है ही नहीं इधर आपको जवाब देने वाला, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला, और बस सब हम रखड़ रहे हैं यू नो ऑनेस्टली मैं इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ कि मुझे बाहर जाके घूमने का भी मन नहीं हो रहा है या कुछ देखने का, बिकॉज यू नो पूरा दिन आप बस शॉपिंग ही कर रहे हो, बैग खरीद रहे हो, कपड़े खरीद रहे हो बच्चे के, अब मैंने तो जो अबाया है यहाँ पे किसी को दिया था मेरी फ्रेंड को, तो आज उनसे ही मंगा के मैंने 2 अबाया मेरे मंगाए हैं, जो एक बिस्ट है और एक बटरफ्लाई है, मंगा के बस मैं वो पहन रही हूँ, और अब बस इसके बाद तो धो धो के मैं मेरा ब्लैक ही पहनूंगी क्योंकि वो ज़्यादा ईजी है रोज़ पहनना। अनस इज़ ऑल्सो स्ट्रगलिंग बिकॉज उनके पास तो वो तो सलवार कुर्ता पहनते हैं एंड उनकी साइज़ का मिलता भी नहीं है, एंड मेरे छोटे 2 महीने के बच्चे का बस हम खरीद ही रहे बिकॉज दिन में एटलीस्ट उनको 5 चेंज तो लगता ही है, तो जो कुछ भी मैंने वहाँ से लाया था यू नो इट्स नॉट अबाउट क्लेमिंग एंड ऑल दैट, वो जब होगा तब होगा, और
बट ये स्ट्रेस ऑफ यू नो एवरी टाइम गोइंग आउट टू अ स्टोर एंड बाइंग और उम्मीद रखना कि शायद कल बैग आ जाए तो आज थोड़ा सा ले लेते हैं बट फिर नहीं आता है, बस एंड ऑफ द डे आप रूम में जाओ और वो कपड़े धोते रहो, सूखते नहीं है, लोगों को भेजो एंड अननेसेसरी यहाँ पे हम जिन्हें यू नो जानते उन्हें परेशान करते हैं। मारिया वलीमा देख लिया, हाँ लगाया हुआ है तो थोड़ा सा यहाँ इस तरीके से होता है। माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त जगह के ऊपर इंतज़ाम किया हुआ है। यहाँ ब्रेक लगाइएगा थोड़ा सा रमीज भाई जी, ये देखें ये बैनर लगी हुई है असद मारिया वलीमा, तो यहाँ इस तरीके से तरतीब होती है। इस जैसी जगह नहीं है। अच्छा, यानी कह रहे हैं कि ये बड़ी खूबसूरत जगह है, स्पेशल जगह और बहुत स्पेशल जगह है, तो यहाँ ये इस तरीके से होता है। बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। हमारी मोहतरमा जी उतर रही है, हमारे रमीज भाई को अल्लाह जजाए खैर दे, बड़ी माशाल्लाह हमारे लिए जहमत की, चले आ जाए। माशाल्लाह तबारकअल्लाह, मौसम बहुत ठंडा है भाई यहाँ। आखिरकार हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचे हैं, तो बस जा रहे हैं, बस हम लोग दाखिल होंगे थोड़ी सी देर में इंशाल्लाह। दिल से दुआ है अल्लाह ताला इनकी जोड़ी सलामत रखे, दोनों खानदानों में जोड़ मोहब्बत उल्फत का मामला पैदा फरमाए, दोनों फरीकैन के दरमियान में जोड़ उल्फत मोहब्बत का मामला पैदा फरमाए, अल्लाह ताला नेक साले औलाद का जरिया बनाए। माशाल्लाह तबारकअल्लाह, चले जाए Okay, hello, you two sit, forget these people, because they will never stop. Mai, please out. Asad? Asad bhai? Everybody please sit down, please. Asad bhai, please take your mic and go and sit, please. Thank you. Any baat nahi aana. And considering my young sisters are here, all my, you know, lovely mothers, everyone, all I want to say is that, you know, at the end of it, we all have a purpose in this duniya. Hum bas aise hi nahi aaye hain ki hum apni zindagiyon ko zaya kare, to zindagi ki khushiyan bhi le, use enjoy bhi kare, but hamesha ye yaad rakhe ki Allah har jagah hame dekh raha hai, to hum Allah ko razi karna hamara asal maqsad hona chahiye. और हम अपनी जिंदगियों को उस काम पे लगाएं जहाँ पे अल्लाह राजी हो, और जब अल्लाह राजी होता है तो जिंदगी में भी बरकत होती है, घरों में भी बरकत होती है और रिश्तों में भी बरकत होती है। इवेंचुअली हम एक निकाह पे हैं और मियां बीवी का रिश्ता तो ऐसा है कि अल्लाह ने इसकी कसम कुरान में खाई है, और जमा भी मियां बीवी को ही जन्नत में होना है। तो बस अल्लाह हमें नेक बनाए, हमें यू नो एक रखे और हम सबको एक दूसरे के लिए खैर का जरिया बनाए। हमारी दिल से दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इनके जिंदगी की हर खुशियों से इन्हें नवाजे, दुनिया आखिरत की सारी इज्जत दे, दोनों खानदानों के अंदर जोर मोहब्बत उल्फत का मामला पैदा फरमाए, और दोनों फरीकैन के दरमियान अल्लाह ताला खैर और बरकत इज्जत मोहब्बत का मामला पैदा फरमाए। मैं आबिद साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद इस पे दूंगा कि ये जब रिश्ता होने लगा था पिछले साल हमारा सफर हुआ रमजान से पहले, इस रमजान से पहले,
तो ये रिश्ते की बात तय हुई और अल्लाह ताला ने रमजान के बाद निकाह मुकर्रर कर दिया और फौरन इन्होंने रुखसती कर दी। अल्लाह करे जितने नौजवान हैं अपनी जिंदगी को इसी तरीके से आबाद करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो आखिरकार हम आए थे जिस रात हमारी बैगें मिसिंग थी, फैजान भाई कहीं, हमारे फैजान भाई, ये फैजान भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा ख्याल किया। ये माशाल्लाह गेटवे एयरपोर्ट के बिल्कुल मुत्तसलन लगकर हैं, बड़ी खूबसूरत जगह है। रमीज भाई बहुत शुक्रिया जी आपका, अल्लाह ताला आपको बहुत जजाय खैर दे, अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदला दे। कभी भी इंग्लैंड आना हो, गेटवे उतरना हो, तो ये बहुत करीब माशाल्लाह गेस्ट हाउस है और बहुत खूबसूरत है। फैजान भाई ऐसे भी खूबसूरत है, फैजान भाई के यहाँ से असल में हमारी बहन जो है वो गुजरात से, इसलिए हमें इनके से बड़ा लगाव हो गया है। वो नवसारी से हैं, अल्लाह इन्हें जजाय खैर दे, इन्हें बहुत खुशियाँ दे जी, अल्लाह ताला बहुत नामुल बदल दे। रोमा सो फाइनली हमारा ये लंदन का सफ़र ख़त्म हुआ, जो एक्चुअली सफ़र ही था इन अ वे, बट बहुत मज़ा आया एंड हम बहुत नए रिश्ते यहाँ से बना के जा रहे हैं, विच इज़ सो कूल। हम अगली बार आएंगे तो हमारे पास और भी लोग होंगे जिन्हें हम जानते होंगे और फैमिली के जैसा हो गया, सो इट्स वेरी नाइस इंशाल्लाह। बस इट वॉज अमेजिंग, हैड अ ग्रेट टाइम। हमारे हजरत भी आराम फरमा रहे हैं कि इनको कोशिश कर रहे थे कि ये इसके अंदर आराम फरमावे हमारे हजरत, लेकिन आराम नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग इस वक्त लॉन्ज में बैठे हुए हैं, बस अल्लाह ही खैर करे यहाँ के माहौल हालात को, हजरत वाला को ये बिल्कुल हम लोग लॉन्ज में एक तरफ लेकर आ गए हैं, उनके कपड़े वपड़े तब्दील कराने। अब हम लोग की माशाल्लाह तबारकअल्लाह वापसी हो रही है इंग्लैंड से, जो कि हमारा सफ़र अब रवाद हुआ है मुमलकत अल-अरबिया की तरफ हिजाज़ मुक़द्दस। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से रात जितना पहुँचेंगे वहाँ से फिर इंशाल्लाह अगली फ़्लाइट से मदीना तय्यबा अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मीद फ़ज़र की नमाज़ इंशाअल्लाह अज़ीज़ मस्जिद नबवी शरीफ में अदा करेंगे। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में इंशाअल्लाह, और फिर वहाँ दिन गुजारेंगे, फिर आगे बताते रहेंगे। इंग्लैंड का सफ़र यहाँ मुख्तसर में पूरा हो रहा है, अगला व्लॉग अब मदीने के सऊदी के अंदर देखिएगा। सना आगे कुछ बात कर लेगी इसके बाद इंशाअल्लाह। अस्सलाम एवरीवन, वेल तो फाइनली हमारा इंग्लैंड का सफ़र ख़त्म हुआ, अब हम फ्लाइट में हैं गोइंग टू आवर मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड एंड दैट्स टू अल्लाह हाउस काबतुल्ला मक्का एंड मदीना। आई एम वेरी एक्साइटेड, लंदन वॉज अमेजिंग, यूके वॉज अमेजिंग, इनफैक्ट बहुत क्रेजी ट्रिप रहा इस बार, बैग्स घूम गए, ट्रिप ख़त्म हो गया तब जाके बैग मिला, बहुत बहुत मज़ा आई, ये सब जो इतना कमोशन हुआ एंड एक अलग एक्सपीरियंस था, और बच्चे के साथ ये हुआ, ओह गॉड, बच्चे के साथ वैसे ही ट्रिप इतनी टफ होती है एंड यू नो सडनली, बस अल्लाह आसान करे और यस इंशाल्लाह आई विल सी यू सून यूके।